किसान भाइयों, आप अगर लहसुन को अधिक समय तक एकत्र करना चाहते हैं और उसे मंडी भाव में नहीं कम अभी नहीं बेचना चाहते और उसे लंबे समय तक घर में रखना चाहते हैं, तो आप इस लहसुन को इस तरह सुखा लें धूप में, ताकि जो नमी है वो पानी है उसमें उड़ जाए, और इस तरह बांध दे। ये इस तरह बांधने से इसमें एकत्र हो जाएगी और इसको थोड़े दिन बाद रख के फिर काटें। आप इस तरह एकत्र करके आप लहसुन को बहुत दिनों तक रख सकते हैं। जो इसमें नमी है जो इसको सूख जाएगी और लहसुन अधिक दिनों तक रहने वाली हो जाएगी, इसलिए किसान भाई इसे बांध कर जुट्टे बांध ले और लहसुन को थोड़े दिन तक धूप में सुखाए, ताकि लहसुन अच्छी तरह सूख जाए और लहसुन में कोई छांव में रखने पर कोई फफूंद या कोई बीमारी ना आए। इसलिए किसान भाई इस तरह ध्यान रखे और लहसुन को थोड़े दिन तक धूप में सुखाने से इसमें लगने वाली मिट्टी वो ऑटोमेटिक खर जाती है, और अगर इसे गीली मिट्टी के साथ अगर छांव में रख दिया जाता है तो वो एक तो बहुत दिनों तक उस मिट्टी लगी रहती है गीली मिट्टी, जिससे लहसुन को ख़राब होने में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, वो जल्दी ख़राब हो जाती है लहसुन। इसलिए किसान भाई ध्यान रखे और लहसुन को थोड़े दिन तक धूप में रखे और इस तरह झुट्टे बनाकर रख दें, और इसको इस तरह झुट्टे बनाने से जो ट्रॉली है उसमें एकत्र करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, और इसे झुट्टे तोके और ट्रॉली में रख दिए। इस तरह अपनी लहसुन को सुरक्षित रख सकते हैं लंबे समय तक। और उसे आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि यह जानकारी सभी किसान भाइयों तक पहुंच सके। नमस्कार।